चाल घोड़ी चाल मारा दादाजी आगे चाल ए तो गया चला महाराज मारे घर घर में तू जा घोड़ी खाले चढ़ा के दाल तू तो ही मेरा ही जान घोड़ी चाल घोड़ी चाल मारा दादाजी आगे चाल। कच्ची घोड़ी राजस्थान का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है। प्रमुख रूप से शादियों के अवसर पर दूल्हे की पार्टी को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए पुरुष नर्तकों द्वारा बनावटी घोड़ों पर सवारी करके ये पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में राजस्थान के लोक धुनों के साथ लोक गीतों का प्रयोग होता है। नर्तक, गायक और वादक पारंपरिक वेशभूषा जैसे रंग बिरंगी पगड़ी, रंगीन कुर्ता, अंगरखा आदि पहनते हैं। कई बार छोटे छोटे शीशों के गोलाकार और चौकोर टुकड़ों से भी इनकी वेशभूषा अलंकृत होती है। नर्तक ढोल की थाप पर रणसिंगा, थाली, शहनाई, नगाड़े और बांके की आवाज के साथ कदम से कदम ताल मिलाते हैं। जयपुर शहर की यह पारंपरिक विधा लगभग 200 साल पुरानी है, जो एक विरासत के रूप में आज हमारे सामने है। अपने जीवन यापन, संरक्षण और संवर्धन के लिए संघर्ष करते कच्ची घोड़ी और अन्य प्रदर्शनकारी कलाओं के लगभग 2000 पारंपरिक कलाकार शास्त्री नगर के पानीपेट क्षेत्र में स्थित कलाकार कॉलोनी में, हसनपुरा ए राणा कॉलोनी और राणा बस्ती में, हसनपुरा सी राय कॉलोनी में, कठपुतली कॉलोनी ज्योति नगर में और कठपुतली नगर जगतपुरा क्षेत्रों में निवास करते हैं। जयपुर शहर की कच्ची घोड़ी की परंपरा किशनगढ़ के पास सुर्रा गांव के तेजाजी मंदिर से आई है और जयपुर की कच्ची घोड़ी नृत्य के नाम से राज्य और देश विदेशों में प्रसिद्ध हुई है। इस नृत्य को तेजाजी की बिंदोरी के नाम से भी जाना जाता है। तेजाजी की बिंदोरी के समय यहाँ के पंडित बांस से बना एक झंडा काम में लेते हैं। इस सुसज्जित बांस को तेजाजी का निशान भी कहा जाता है। कच्ची घोड़ी के कलाकार इस सवारी के आगे नृत्य करते हुए चलते हैं। ये परंपरा प्राचीन समय से आज तक प्रचलित है। बदलाव आया है, समय बदलता है तो बदलाव आता है, लेकिन आज भी उसमें अपने इलाके में जिसको हम डुंडार कह दें, मेरवाड़ा कह दें, अजमेर पुष्कर के आसपास कह दें, उसमें कलाकार आज भी बांकिया बजाता है, थाली बजाता है, उसमें ढोल बजता है। बाकी अगर अपन शेखावटी में देखें तो उसमें थोड़े झांझ किस्म की दूसरी बस चीजें बजती है और उसमें तलवार रखा जाता है। तो ये प्रिसाइज डिफरेंस है, लेकिन एक बहुत प्राचीन परंपरा है हमारी लोक नृत्य की। आजकल कच्ची घोड़ी का चलन अतिथि स्वागत के रूप में बड़ा है, जिसे देखकर सभी प्रफुल्लित हो जाते हैं। जब से जयपुर के राज परिवारों ने कच्ची घोड़ी के प्रयोग अपने आयोजनों में करने शुरू किए, तभी से यहाँ के शाही साज, रणसिंघा और बांकिया भी काम में लिए जाने लगे। ये कलाकार पारिवारिक आयोजनों, सरकारी, गैर सरकारी उत्सवों और होटलों में अतिथियों के स्वागत में कच्ची घोड़ी का प्रदर्शन करके अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ कलाकारों ने राज्य के अतिरिक्त देश और विदेशों में भी अपनी कला विधा की प्रस्तुतियां देकर एक अलग पहचान बनाई है। मौखिक परंपराओं और अभिव्यक्तियों के रूप में इस समुदाय द्वारा कई पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। बागम जो लगाने कर बनी न झूलो दी जो बना गेंद गा।
कच्ची घोड़ी एक प्रदर्शनकारी कला है। इस परंपरा के कलाकार कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ भवाई नृत्य, चरी नृत्य, पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत ग्रामीण भवाई नृत्य, कालबेलिया नृत्य और कठपुतली का खेल भी प्रस्तुत करते हैं। आजकल घूमर नृत्य भी इस समुदाय की लड़कियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने लगा है। हमारे तो लोक कलाकार, परंपरागत लोक कलाकार है, जैसे बच्चा जो हमारा होता है हम उनको साथ ले जाते हैं, तो वहाँ उस हमारी जो कलाओं को देख करके वो पारंपरिक हो जाता है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये सुविधा अगर सोसाइटी के साथ शेयर की जाए, लोगों को, नए लोगों को जोड़ा जाए, उनको सिखाया जाए, कोई ऐसा संस्थान हो? बिल्कुल, ऐसा संस्थान होना चाहिए हमारे जो लोक कलाकार है, क्योंकि हमारी राजस्थानी लोक कला है वो पुश्तैनी लोक कला वो छिपती जा रही है। इस शैली के कलाकार हस्तशिल्प से निर्मित कच्ची घोड़ी के अलावा लकड़ी, रंग बिरंगे कपड़ों और धागों से कठपुतलियों का निर्माण तो करते ही हैं, साथ ही घास फूस, रुई, धागे, गोटा पत्ती और रंगीन कपड़ों से हाथी, घोड़े, ऊंट, लड़ियां और बांदरवाल को जीवन यापन के लिए बनाते और बेचते भी हैं। कच्ची घोड़ी का निर्माण हस्तशिल्प का एक बेजोड़ नमूना है, जो परंपरा के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। पहले बांस और पेपर मेशी से बनी कच्ची घोड़ियों का चलन था। आज के आधुनिक युग में बांस के साथ प्लास्टिक के पाइपों और बैंत की लकड़ियों का भरपूर प्रयोग किया जाने लगा है। साथ ही घास फूस, प्रिंट किया हुआ सूती या रेशमी कपड़ा, टोकरियां, कांच के टुकड़े, गोटा पत्ती, ऊन और रंग बिरंगे धागों से खूबसूरत कच्ची घोड़ी का निर्माण किया जाता है। इससे कच्ची घोड़ी मजबूत और आकर्षक तो बनती ही है, साथ ही लंबे समय तक इसका उपयोग भी किया जा सकता है। इन कलाकारों के रंग बिरंगी वेशभूषा का निर्माण राजस्थान के बगरू और सांगनेर प्रिंट के सूती कपड़ों से किया जाता है। इस शैली की प्रस्तुति में काम आने वाले साज जैसे ढोल और ढोलक का निर्माण इन कलाकारों द्वारा स्वयं ही किया जाता है। कांसे और पीतल से बने साज जैसे शहनाई, बाकिया, रणसिंगा और थाली, ये लोग कुशल कारीगरों से बनवाते हैं। पेशेवर कलाकारों के इस समुदाय के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण जरिया है। आपको रिफॉर्म करने के लिए वो वर्कशॉप करके उनको सिखा के तैयार करना होगा, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट उनको एक तरह से लाइसेंस दे, ये होना जरूरी है, तभी आप सही रूप में सर्वाइव कर सकेंगे। आपकी कला सर्वाइव करेगी, कलाकार सर्वाइव करेंगे। हमारे लिए, कठपुतली वालों के लिए, जैसे कोई अच्छा सा थिएटर बने उसमें हम सभी लोग काम करें, कठपुतली बनाने वाले कठपुतली बनाए, हाथी घोड़े बनाने वाले हाथी घोड़े बनाए, और उनकी तनख्वाह मिलते रहे, और सरकार से हमें मदद मिले, जमीन मिले, हमारी नौकरी हो और बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल कोई हो, तो हमारे भी बच्चे आगे बढ़े। आज आवश्यकता है कच्ची घोड़ी की पारंपरिक विधा के साथ नए लोगों को जोड़ने की, ताकि शुभ शुभारंभ के रूप में प्रचलित ये विधा समाज के अन्य वर्गों तक भी पहुंच सके। ये एक ऐसी लोक विधा है जो देश और विदेश के दर्शकों और पर्यटकों का भरपूर मनोरंजन करती है। लेकिन आज जीवन यापन की समस्याओं से संघर्ष करता है ये समुदाय, आश्रय और प्रोत्साहन के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है।